आपको लगता है सिर्फ एक आध बैग आपकी सेहत पर कोई असर नहीं डालता, सोचिए फिर से। दरअसल अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च की हाल ही में आई रिपोर्ट ने एक डरावना सच सामने रखा है। हर घूंट शराब आपको कैंसर के करीब ले जा सकता है, और ये सिर्फ बड़ा खतरा नहीं बल्कि 6 अलग अलग तरह के कैंसर की बात हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शराब पीना, चाहे कम हो या ज्यादा, आपके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। शराब का सेवन कम से कम 6 तरह के कैंसर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिसमें आते हैं मुंह के कैंसर, गला यानी फैरिंक्स के कैंसर, वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, लिवर, ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर। ये एक गलत धारणा है कि छोटी मात्रा में अल्कोहल पीना सेफ है, हार्ट के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी सी मात्रा भी कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है। जब आप शराब का सेवन करते हैं तो ये आपके बॉडी में जाके, लिवर में जाके एसिटाल्डिहाइड नामक एक खतरनाक केमिकल में बदल जाता है। ये केमिकल डायरेक्टली आपके डीएनए को डैमेज करता है और जो सेल्स हैं उनकी जो नेचुरल रिपेयर प्रोसेस है उसे ख़राब करता है, और कैंसर होने का जो खतरा है बहुत बढ़ जाता है। ये खतरा तब और ज़्यादा हो जाता है जब शराब को तंबाकू के साथ कंबाइन किया जाता है। दोनों मिलके एक दूसरे के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनको कई गुना बढ़ा देते हैं। जो लोग शराब पीते हैं और साथ में तंबाकू का यूज़ करते हैं, उनमें मुँह का कैंसर, गले का कैंसर, खाने की नली यानी ईसोफेगस का कैंसर, इसका रिस्क 30 गुना तक बढ़ जाता है नॉर्मल पब्लिक से। कैंसर का रिस्क कम करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है शराब और तंबाकू को दोनों को ही छोड़ दिया जाए। छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ये ठान लें तो ये संभव है। पहले क्विटिंग डेट सेट करें, अपनी फैमिली, डॉक्टर्स, इन सब की हेल्प लें, सपोर्ट ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, और शराब की जगह हेल्दी ऑल्टरनेटिव जैसे हर्बल टीज, योगा, मेडिटेशन, अपनी हॉबीज़, अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप पर फोकस करें। याद रखें, अल्कोहल के मामले में अल्कोहल को छोड़ देना ही समझदारी है। अल्कोहल छोड़ के ही हम अपना कैंसर रिस्क कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हर बार जब आप शराब का ग्लास उठाते हैं तो सोचिए कि वो सिर्फ आपके लीवर को ही नहीं बल्कि आपके शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है, अगर आप अभी शराब छोड़ देते हैं तो इन जानलेवा बीमारियों का खतरा लगभग 8% कम हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि शराब से दूरी बनाएं। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें health.com।